स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है, तेरा ही धरते, थोड़ा जोर से बोलो, तेरा ही धरते मांगते तेरी दया, तेरा ही धरते मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सम्मान के पात्र आर्य समाज के हमारे यशस्वी श्रीमान श्यामलाल जी, श्रीमान त्रिलोकचंद जी, श्रीमान श्याम जी, भाई अजीत जी, समस्त सभी हमारे परिचित और आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आज एक महीने की इस कथा का समापन है और फिर एक साल बाद आपके दर्शन होंगे, ऐसा संकल्प है। प्रभु कृपा करे आप सब भी तब तक स्वस्थ रहें और फिर सत्संग का लाभ तो रोज लेते हैं आप। महाभारत के युद्ध के पश्चात, महाभारत के युद्ध में जो अनेकों लोग मारे गए, 50 लाख लोग लगभग समाप्त हुए, और उसके बाद में जितनी सत्क्रियाएं थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, वेद का ज्ञान लुप्राय हो गया। जो सृष्टि के प्रारंभ से लगा करके महाभारत काल तक एक छत्र आर्यों का साम्राज्य सारे विश्व में था, वो छिन्न भिन्न हो गया, आपस में कलह हो गई, फूट हो गई, वेद विद्या छूटती चली गई, वेदों के नाम पर लोगों ने पाखंड करने प्रारंभ किए, वेदों का नाम लेकर के यज्ञों में हिंसा प्रारंभ की, वेदों का नाम लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की बलि प्रथा आदि प्रारंभ कर दी। परिणाम ये आया, उसके विरोध में नए नए मत बनते चले गए, जैन मत बना, बौद्ध मत बने, फिर धीरे धीरे मूर्ति पूजा देश में प्रारंभ हो गई और मूर्ति पूजा के विरोध में ईसाई, मुसलमान आदि दूसरे मत मतांतर खड़े होते चले गए, और जो राष्ट्र जिसने सारे विश्व पर शासन किया हो वो देश भी एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि दूसरे गुलाम हो गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, राज एक एक शब्द वो ध्यान सुनना, बहुत स्पीड से बोलूंगा मैं, अब सीधे सावधान होकर बैठो और सिर नीचे कोई जहां झुकाए अपना सीधे बैठो, बिल्कुल सावधान, हाँ आलस में कोई ना रहे, सीधे कमर को हटा के बैठो कुर्सी होते सीधे बिल्कुल। राजा दाहिर पर आक्रमण किया सिंध में 712 में,
तब से लगा करके भारत पर अनेक आक्रमण हुए और भारत 1000 वर्ष के गुलामी भोग रहा था। लगभग 900 वर्ष हो गए थे भारत को गुलाम हुए। भारत की अस्मिता तार तार हो रही थी। वेद विद्या प्राय लुप्त हो गई थी। मत मतांतरों ने अपना जाल फैला दिया था। स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा था। यज्ञोपवीत पहनने तक की अनुमति नहीं मिलती थी। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं, उसके साथ साथ बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं समाज के भीतर फैली थी। देवदासिया जैसी कुप्रथाएं, ईश्वर के नाम पर केवल लोग मूर्तियों को पूज रहे थे। सच्चे ईश्वर की उपासना का मार्ग छोड़ता जाता था। ऐसे 5000 वर्ष के कालखंड में अवनति की अवनति होती जा रही थी। हमारा सारा तंत्र अस्त व्यस्त होता जा रहा था। ऐसे समय में टंकारा की भूमि पर 1824 में मूल शंकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण जी तिवारी और माँ का नाम अमृत बेन था। मूल शंकर का जन्म होना मानो भारत के उदय का जन्म होना था। मूल शंकर ने 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने शिव जी का व्रत रख करके जब ये देखा कि असली शिव नहीं है, ये तो शिव की प्रतिमा है, ये शिव अपनी रक्षा भी नहीं कर पाता तो औरों की रक्षा क्या करेगा, तो उनके मन में भाव पैदा हुआ मुझे सच्चे परमात्मा को जानना है, सच्चाई को जानना है, सच्चे सिद्धांतों को जानना है बंधुओं माताओं बहनों। और सच्चे सिद्धांत को जानने के लिए मूल शंकर ने 21 वर्ष की आयु में अपने घर का परित्याग कर दिया और वो ईश्वर के सच्चे परमात्मा खोज में, उसको खोज करने के लिए भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे। गंगा के उद्गम से लगा करके नर्मदा के उद्गम तक, नर्मदा के उद्गम से लगा करके जितने तीर्थ उस समय थे, जितनी नदियां थी, जितने आश्रम थे, जितने ऋषि मुनि मिले, जितने उस समय के महात्मा लोग थे मतांतरवादी, सबसे मूल शंकर ने चर्चा की। लेकिन कोई भी सिद्धानंद के मन में रखे प्रश्नों का समाधान बोलो नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के दयानंद सरस्वत शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बने। उनका नाम पड़ा शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। फिर पश्चात चाणोद में स्वामी पूर्णानंद से संन्यास लेकर के दयानंद सरस्वती बने। दयानंद सरस्वती परिव्राट होकर के सारे देश में घूम रहे हैं, सत्य की खोज में घूम रहे हैं। सच्चे परमात्मा को जानने के लिए सारे के सारे देश के भीतर जितने मठ हैं मंदिर हैं सबसे पूछते हैं, पर कोई समाधान करने वाला बोलो नहीं मिला। 15 वर्ष घूमते घूमते हो गए। 15 वर्षों कालखंड व्यतीत हो गए आर्य भद्र पुरुषों, और 15 वर्ष बाद दयानंद सरस्वती की आयु कितनी हो गई, 36 साल की। 36 साल का जवान साधु एक दिन हरिद्वार में बैठे हैं और सामने एक बूढ़ा साधु बैठा है जिसका नाम पूर्णानंद दंडी है। पूर्णानंद सरस्वती के सामने दयानंद नाम का साधु बैठा है, आंखों में आंसू लिए हुए बैठा है। इस बूढ़े साधु ने दयानंद सरस्वती से कहा, बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है? क्या परिवार की याद आती है? क्या माता पिता की याद आती है? दयानंद ने कहा, गुरुदेव जिस दिन से मैंने घर छोड़ा था उस दिन से मैंने अपने घर की याद नहीं की। मेरी आंखों में आंसू आने का दूसरा कारण है। पूर्णानंद ने पूछा, दूसरा क्या कारण है? बोले, मेरी आंखों में आंसू आने का कारण ये है, जिस सत्य सिद्धांत को जानने के लिए मैंने घर छोड़ा था मैं उसको भी जान नहीं पाया, मेरी पिपासा शांत नहीं हुई है। मैं सत्य को जानना चाहता था, परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानना चाहता था, संपूर्ण विद्याओं को ठीक से जानना चाहता था, पर कोई ऐसा मिला नहीं जो मेरी जिज्ञासा को बोलो शांत कर दे। पूर्णानंद बोले, बेटा जब तक आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, क्या कहा बोलो, आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारी
हृदय की अविद्या का जो आवरण है वो दूर नहीं होगा, तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दयानंद सरस्वती बोले, गुरुदेव ये कहाँ पढ़ाए जाते हैं? पूर्णानंद बोले, पढ़ा तो मैं भी देता बंधुओं, पढ़ा तो मैं भी देता, पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर शिथिल हो गया है। हाँ, यदि तुम आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक शिष्य है, मथुरा में रहता है, उसकी बाहर की आंखें तो बंद है पर भीतर की आंखें खुली हुई हैं, और तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले तो तुम्हारे जीवन कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, 1860 के नवंबर के महीने की बात है, दयानंद सरस्वती ने जब ये सुना तो हरिद्वार से मथुरा की राह ली और जा करके विरजानंद के आश्रम की कुंडी खटखटा दी, दरवाजा खुला। तब मैं एक बात कहता हूँ आर्यो, उस दिन दयानंद के लिए विरजानंद के आश्रम का दरवाजा नहीं खुला था, भारत के भाग्य का दरवाजा खुला था। दयानंद सरस्वती ने प्रवेश किया और गुरु ने पहले प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? दयानंद बोले, गुरुदेव इस शरीर का नाम दयानंद सरस्वती है। अच्छा, किस लिए आए हो? आपके चरणों में बैठकर के विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप साधु हो? बोले, हाँ गुरु जी साधु हूँ। बोले, साधु को तो मैं नहीं पढ़ाता, साधु के लिए मेरे पास कुछ साधन नहीं है पढ़ाने के, यहाँ तो गृहस्थियों के बच्चे आते हैं, पढ़कर के अपने घर चले जाते हैं। और बेटा ऐसा नहीं तुझे पढ़ाना नहीं चाहता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए ना तो भोजन है और ना तुझे ठहराने के लिए कमरा है, ना मकान है ना भोजन है, तू सन्यासी है, दिन भर भिक्षा करेगा तो पढ़ने का समय कहाँ मिलेगा, रहेगा कहाँ? दयानंद सरस्वती मथुरा में विरजानंद के आश्रम से निकल करके मथुरा की गलियों में घूमने लगे और जाकर के एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। लोगों ने, मथुरा तो धार्मिक नगरी है, बहुत साधु संत लोग रोज देखते थे, पर ये नया साधु आया है, ये साधु मथुरा में पहले देखा नहीं गया है, लोगों को आकर्षण हुआ। सुंदर साधु, 6.5 फुट लंबा, जिसकी कद 6.25 फुट के लगभग हो, गोर वर्ण साधु, ऐसा हट्टा कट्टा साधु पहलवान जैसा शरीर जिसका हो, ब्रह्मचर्य की शक्ति से ताकत से जिसका चेहरा उद्दीयमान हो रहा हो, सूर्य के समान जिसके चेहरे की आभा हो, देखकर के लोग आकर्षित हुए। एक व्यक्ति ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? बोले, मैं तो अभी हरिद्वार से आया हूँ। किस लिए आए हो? बोले, आया तो था गुरु जी के पास पढ़ने के लिए, पर मेरे पढ़ने का प्रबंध नहीं हो सका है, मेरे पढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं निकला है, रहने के लिए कमरा नहीं मिला। उसने दया करके विचार करके मंदिर की कुटिया उनको मिल गई। फिर एक नन्हे लाल नाम के व्यक्ति आए, उन्हें कहा, भैया मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, पर आपको चनों के लिए नाश्ते के लिए पैसे दे सकता हूँ। नाश्ते का प्रबंध हो गया, एक ने दूध का प्रबंध कर दिया, एक ने मिट्टी के तेल का प्रबंध कर दिया, 3-4 लोगों का जब प्रबंध हो गया, ठहरने का हो गया, और सुना चलो चने खा के पढ़ लूंगा, भोजन ना भी मिले तो भी काम चला लूंगा। जब ये सारा प्रबंध इतना हुआ तो दयानंद ने गुरु के जाकर के आश्रम में फिर प्रवेश किया, गुरुदेव मेरे ठहरने का प्रबंध हो गया है। और उन्होंने देखा, वहां एक व्यक्ति और बैठे थे उस समय, इसका नाम था अमरलाल जोशी। क्या नाम था? अमरलाल जोशी। ज्योतिषी थे, ज्योतिष का काम करते थे, ग्वालियर के सिंधिया राजा ने उनको ज्योतिषी बाबा की उपाधि से अलंकृत किया था। उनकी आयु थी 30 वर्ष और दयानंद सरस्वती की आयु थी 36 वर्ष। तब अमरलाल जोशी कहते हैं, गुरुदेव दयानंद नाम के साधु से कह देना, जब तक मथुरा में रहे भोजन की चिंता ना करे, जब तक मथुरा में। आप जरा कल्पना करके देखो, पूना के 15वें व्याख्यान में दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, उदार मना महामना अमरलाल जोशी के कारण से मैं मथुरा में निश्चिंत होकर के पढ़ सका। और कैसे व्यक्ति थे वो? वो लिखते हैं, जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता था तो पहले मुझे भोजन कराते थे, बाद में अपने आप भोजन करते थे। ये सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं चला बंधु, पूरे 2.5 वर्ष चला। किसी अतिथि को 1-2 दिन भोजन कराना तो आसान है, बोलो है कि नहीं? किसी मेहमान को 1-2 दिन ठहराना तो, परंतु लगातार 2.5 वर्ष लगातार एक भी समय चुके बिना भोजन कराना, पहले भोजन कराना, ये कोई सामान्य तपस्या नहीं, इसे कहते अतिथि यज्ञ। तब मैं एक बात कहता हूं,
मैं नहीं कहता, अभी दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र लिखने वाले बंगाल के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। आपको मिले तो जीवन चरित्र पढ़ना जरूर। उन्होंने उस जीवन चरित्र को लिखने में 30 वर्ष का जीवन लगाया अपना, 30 वर्ष का समय। बंगाल से चले वो और पूरे देश में जहां जहां दयानंद सरस्वती गए वहां वहां जाकर ये संस्मरण इकट्ठे किए, और जो उससे पहले जो जीवन चरित्र लिखा स्वामी दयानंद जी का, उनका नाम था पंडित लेखराम, जिनको छुरा मार करके विधर्मियों ने मार दिया था, जो आर्य मुसाफिर के नाम से कहलाते थे। श्यामलाल जी तो वो पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय एक पंक्ति लिखते, वो कहते हैं ऐसी बढ़िया पंक्ति शायद ही किसी ने लिखी हो आज तक, साहित्य की बड़ी पंक्ति। वो कहते हैं अमरलाल जोशी तुझे क्या पता था, तो एक साधु को भोजन नहीं दे रहा है, भारत की आत्मा को भोजन दे रहा है। तेरे भोजन का ऋणी प्रत्येक वो व्यक्ति है जो दयानंद से सत्य का प्रकाश लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगा। दयानंद रूपी जो ज्योति जली है उसमें तेल बनकर के तेरा अन्न ही तो जला है, इसलिए याद रखना दिया गया अन्न किसी पात्र को आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए दो दान बड़े दान बताए, विद्यादान और अन्न का दान। विद्यादान मैंने, और ये तो दोनों किए उसने, विद्या के लिए अन्न का दान किया। दयानंद जैसा ऋषि तैयार हो गया, पौने 3 वर्ष गुरु के आश्रम में पढ़े, और देखो दुनिया के तख्ते पर गुरु को दक्षिणा देने वाले बहुत से लोग देखे होंगे, जो गुरु को धन देते हैं, दक्षिणा में कपड़े देते हैं, मकान भी दे देते हैं और वस्तु भी दे देते हैं। दयानंद सरस्वती ऐसे गुरु को दान देने वाले, दक्षिणा देने वाले व्यक्ति है जो अपना संपूर्ण जीवन गुरु के आदेश पर समर्पित करते हैं। ऐसा गुरु दक्षिणा देने वाला इतिहास में दूसरा दिखाई नहीं देता। निराले हैं दयानंद हर जगह, निरालापन उनके भीतर है, अलग से दिखाई देते हैं, अद्भुत व्यक्तित्व है दयानंद का। आज गुरु ने कह दिया बेटा बस अब जो विद्या मेरे पास थी मैंने तुझे सब पढ़ा दी, अब मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है, अब तेरा समावर्तन संस्कार है, अब तेरा दीक्षांत संस्कार है, अब तू जा। अब आपको पता है नियम है, जब दीक्षांत होता है समापन होता है तो गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं, बिना दक्षिणा के बोलो विद्या सफल नहीं होती। इसलिए यहाँ नियम है कि सुना हुआ भी कब सफल होता है, जब कुछ ना कुछ वक्ता को दिया जाते, परंपरा है। तो जिससे विद्या लेते हैं उसको कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुछ देते हैं भेंट, उसे हम दक्षिणा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, दक्षिणा। और गुरु को दी गई दक्षिणा क्या नाम है, गुरु दक्षिणा। गुरुदक्षिणा में क्या दे दयानंद, उसके पास तो कुछ है नहीं, वो तो साधु है, फक्कड़ है, और तो गृहस्थियों के बच्चे हैं, उसका तो घर द्वार नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कहीं से थोड़ी सी लौंग मांग करके लाए। गुरुजी को लौंग बड़ी प्रिय थी, लौंग ला करके गुरुजी के चरणों में रख दी बंधु आर्यो, और जब गुरु की आंखें तो थी नहीं, उन लौंग के कटोरे को जब छू करके देखा तो कहा दयानंद क्या लाए हो, गुरुदेव मैं आपका उपकार कैसे भूल सकता हूं। और दयानंद कह रहे हैं गुरुदेव मेरे पास है ही क्या देने के लिए, आपने जो विद्या दे के मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं अपनी चमड़ी का जूता बनाकर आपके पैरों में पहना दूं तो भी आपके उपकारों से ऋण नहीं हो सकता, ऐसा दयानंद कह रहे हैं। पर मैं दे क्या सकता हूं आपको, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, ये थोड़ी सी लौंग लेके आपके श्री चरण उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं लौंगों को छू करके गुरु विरजानंद की आंखें तो थी नहीं, केवल गोलक मात्र थे, उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली, आंखों से मानो गंगा जमुना प्रवाहित हो गई हो। गुरुदेव के पैर पकड़ लिया दयानंद सरस्वती ने, गुरुदेव बताओ मुझसे भूल हुई कुछ, बोल नहीं दयानंद भूल नहीं हुई, पर मेरी आकांक्षा तुमसे ज्यादा थी, मेरे आश्रम में तुम आए थे तब से मेरी आकांक्षा बहुत बड़ी थी, मैं अंधा था अंधा हूं इसलिए तुम्हारी तरह सारे जगत को ठीक से देख नहीं सकता, लेकिन मैं कानों से सुनता हूं, भारत की अधोगति को ध्यान से मन में विचार करता हूं, ये सर्वोपरि देश विश्व का गुरु बनकर के रहा है, आज दूसरों का गुलाम है, इसने सारे विश्व को ज्ञान विज्ञान दिया है, आज पदाक्रांत हो रहा है।
माताओं का बहनों का सम्मान नहीं है, आपस में झगड़े हैं, आपस की फूट है लोगों में, एक ईश्वर को नहीं मानते हैं। भगवान के नाम पर पतन कितने खिलौने मंदिरों में रख लिए हैं, शिक्षा अस्त व्यस्त हो गई है, वेद मंत्रों का जहां पाठ होता था वहां पता नहीं क्या क्या ऐसे ग्रंथ पढ़े जाने लगे जो पढ़ने योग्य भी नहीं है। दयानंद, समाज की अधोगति को कौन ठीक करेगा? वेद विज्ञान का प्रचार कौन करेगा? इस भारत को अधोगति से कौन ऊपर निकाले? दयानंद, मैं तुमसे ये लोग नहीं चाहता था, मैं तुमसे तो ये सब चाहता था। कैसा गुरु रहा होगा, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, मांग रहा है तो राष्ट्र के लिए मांग रहा है। गुरु ये भी मांग सकते थे, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी सेवा कर। पर कैसा गुरु, अद्भुत गुरु है दयानंद के, गिरजानंद जैसा गुरु होना मुश्किल है। एक सूखा सा प्राणी जिसके जिसके शरीर में केवल हड्डियां तो हैं पर मांस दिखाई नहीं देता, पर उसकी हृदय की कामनाएं कितनी प्रबल हैं। वो अपने लिए चिंता नहीं करता, अपने लिए कुछ सुख नहीं चाहता, चाहता तो राष्ट्र का भला चाहता है। विचार करके देखो, भारत के सन्यासियों का, भारत के साधुओं का, भारत के मनीषियों का समर्पण पूर्ण है तो मातृभूमि के प्रति है, भारत वर्ष के प्रति, राष्ट्र के प्रति है, आप सबके प्रति है। हृदयानंद ने जब ये वाक्य सुना तो एक वाक्य कहा, गुरुदेव ये सब जीवन तो आपके लिए समर्पित है, आप आदेश करो। कहा बेटा अपना जीवन दान करो समाज के लिए, वेद के लिए, विद्या के लिए। दयानंद ने गुरु के आदेश को धारण किया और वेद के प्रचार के लिए निकल पड़े। आगरा में आकर के वेद मंगाए, वेद पढ़े, वेद का भाष्य किया, वेद का प्रचार किया, शास्त्रार्थ किए, लोगों ने जहर पिलाया, लोगों ने सांप फेंके, लोगों ने पत्थर मारे, पर दयानंद सरस्वती ऐसे शिष्य हैं, गुरु के आदेश का एक दिन भी उल्लंघन नहीं किया। 1863 को दयानंद सरस्वती जी मार्च अप्रैल के महीने में मथुरा से निकले और 1883 को अजमेर में भिनय कोठी में 30 अक्टूबर को अंतिम सांस ली। इन 20 वर्षों के कालखंड में एक दिन भी ऐसा नहीं है दयानंद ने अपने गुरु के आदेश का पालन ना किया हो। लोगों ने जहर पिलाया, उसने अमृत पिलाया, शास्त्रार्थ किए, लोग पीछे चलते चले गए, जनता पीछे चलते चली गई, राजे रजवाड़े सुधरते चले गए। कितना बड़ा काम दयानंद ने किया। अंग्रेज सरकार थर्रा गई, क्रांतिकारी पैदा होते चले गए, देश की आजादी के लिए तैयारियां पुनः प्रारंभ हो गई, जो क्रांति 1857 में बंद हो गई थी दयानंद के प्रचार से पुनः प्रज्वलित होती चली गई। इसलिए प्रत्येक क्रांतिकारी जेल में रहते हुए कहता है, हमारा गुरु कोई है तो वो दयानंद सर। भगत सिंह से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? उसने कहा, मैंने गुरु के दर्शन किए नहीं, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ऐसे ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के वेद का प्रचार करते हुए, ये प्रचार कभी शिथिल ना हो, बंद ना हो, इसके लिए आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना करते हुए दयानंद ने उद्घोष कर दिया, आओ लोगों, दुनिया के लोगों, आओ वेदों की ओर लौटो। जिन वेदों के संबंध में ये कहा जाता था कि शंखासुर नाम का राक्षस लेके इनको पाताल लोक में चला गया है, दयानंद ने चारों वेद हाथ में लेकर कहा, देखो तुम्हारा आलस और प्रमाद रूपी शंखासुर से छुड़ा करके मैं चारों वेदों को ले आया हूँ, आओ वेदों की ओर पढ़ो बढ़ो, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद का भाष्य किया, आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज काम दिया वेद का प्रचार प्रसार करना, नियम बना दिया वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। आर्यो ये जो प्रचार प्रसार का कार्य है मानो उसी श्रृंखला में है कि हम लोग ऋषि दयानंद के ऋण से, ऋषियों के ऋण से उऋण हो सके और वेद के प्रचार कार्य को निर्बाध रूप से चला सके। आप सब इसलिए सौभाग्यशाली हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए आप उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से श्रेष्ठ हैं जो वेद के प्रचार प्रसार के लिए अपना समय लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं। बंधुओं, इस उत्तम कर्म को आप करते हुए जीवे में श्रद्धा शतम की भावना से आगे बढ़े, ऐसी भगवान से आपके लिए कामना करते हैं।
मैं विचार करता हूँ ज्ञानेन सरस्वती जैसा सूर्य उदय हुआ अविद्या का अंधेरा भागता चला गया। पर बंधुओं मैं कई बार ये भी सोचता हूँ आज ज्ञानेन सरस्वती हमारे मध्य में नहीं है, पर पाखंड तो अब भी बहुत है, अंधेरा तो बोलो अब भी कम नहीं, अविद्या कैसे दूर होगी, इसे कौन दूर करेगा। तो मुझे एक दार्शनिक की कुछ पंक्तियां याद आती है, वो ध्यान सुनना। संध्या का समय था, सूरज पश्चिम में अस्त हो रहा था, डूबते हुए सूरज को झोपड़ी में टिमटिमाते हुए दीपक ने देखा और कहा, दादा तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है। सूर्य ने कहा, बेटा मेरी उदासी जानना चाहता है, मेरी उदासी का एक ही कारण है, जब तक मैं चमकता रहा मैंने अंधेरे को फटकने नहीं दिया, आज मैं डूब रहा हूं और आज मेरे डूबने से ही अंधेरा फिर फैलता चला जाएगा, मेरे दुख का यही कारण है। बंधुओं माताओं बहनों, वो दीपक जिसमें छोटी सी बाती है, थोड़ा सा तेल है, अपनी सारी ऊर्जा को एकत्र करके कहते हैं, दादा मैं तुम्हारे जैसा ज्यादा चमकने वाला तो नहीं हूं, पर मैं कसम खाता हूं जब तक मेरे में तेल की बूंद और बाती बाकी है मैं अंधेरे से लड़ता रहूंगा। आप सूरज तो नहीं बन सकते, दीपक तो बोलो जरूर बन सकते हो, और जब दीपक से दीपक जलता है तो दीपावली की काली रात भी जगमगा उठती है। ऐसा दीपक बनने का प्रयास करें जिसके भीतर जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ है, उतना वेद के प्रचार में लगाएं। विद्वानों का सत्कार सम्मान होता रहेगा तो वेद का प्रचार बढ़ता रहेगा। आप अपने धन को लगाएं, हम अपने ज्ञान को लगाएं। विद्वान अपने विद्या के द्वारा, धनवान अपने बोलो धन के द्वारा, और बलवान अपने बल के द्वारा वेद के प्रचार में लगे, ये हम सबका उद्देश्य हो। आप सबने एक महीने तक विचारों को सुना, बड़े आनंद से सुना, बड़े मनोरम ढंग से सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहने को तो यही है कि जो कुछ अच्छा है सब ऋषि मुनियों का, विद्वानों का है, त्रुटियां व्यक्ति की अपनी होती हैं। इस महीने भर के इस सत्र में कोई शब्द मेरे मुंह से आपके प्रति कोई किसी को कष्ट देने वाला निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए आप सबके प्रति भगवान से कामना करते हैं। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, और आप सभी के परिवार सुखी रहें, सभी के परिवारों में धन धान्य की वृद्धि हो, सभी की संतानें योग्य हों, धर्मात्मा हो, ऐसी कामना के साथ इस विदा लेते हैं इस सत्र की। फिर पुनः अगले वर्ष फिर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य परमपिता परमात्मा प्राप्त कराए, फिर आप सबके दर्शन करेंगे। ये गुरुदेव के सार ने लिखा, सितारे आंखों में बसा करके रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सभी को सादर नमस्ते। प्रसाद ओम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग हमारे यहाँ 23 से 24 आचार्य जी के सत्संग हुए। आत्मा परमात्मा प्रकृति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक हमें पहुँचाया, और अंत में जाकर के उस ऋषि की हमारे गुरु की बात बताई कि सारा जो जगत था अंधकार में भटक रहा था। आज के समय में भी हम देखते हैं कि उस समय में जैसे हालात थे आज के समय में भी देख रहे हैं उससे भी अधिक लग रहे हैं। और उस समय में तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे बीच में आ गए, और उनको पढ़ करके उनको सुन करके उनकी बनाई आर्य समाज से हमारे जैसे आचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं, आचार्य वीरेंद्र जी शास्त्री, ऐसे अनेकों विद्वान हमारे बीच में देकर गए, और अनेकों विद्वान
पैदा भी हो रहे हैं, निकल रहे हैं गुरुकुलों से, तो हमारा भी दायित्व होता है कि कम से कम हम उनके साथ में कंधा मिला करके प्रचार तो नहीं कर पा रहे हैं, अविद्या रूपी अंधकार को दूर तो नहीं कर पा रहे हैं, मगर उनको सुन करके अपना अंधकार, अपनी अविद्या दूर करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त होवे। आज के समय में ऐसा वातावरण बिगड़ा हुआ है, तो कम से कम ऐसे जो विद्वान हमारे बीच में आ रहे हैं उनको सुनने के लिए दूसरे सज्जनों को तो हम प्रेरित करें, कम से कम हम ऐसा करें, तभी इन आचार्य जी जो हैं हमारे विद्वान हैं उनका ही हम आभार कर सकते हैं। हम क्या इनको धन देंगे, क्या अपना समय देंगे, इन्होंने पूरा समय जो है अपने विद्या के लिए, सत्य विद्या के लिए, वेद विद्या के लिए हमारे लिए लगा दिया कि अविद्या से हम दूर हों, तो हम भी अपने पूरे हृदय से इनका समर्पण करें और इनके बताए हुए वचनों का अपने जीवन में आदर करें, अपनाएं और अपने परिवार में भी इन गुणों को लाएं। और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे विद्वान आते हैं तो हमें अपने परिवार में भी रखना चाहिए, बहरहाल मैं भी आपको क्या कह सकता हूँ, मैंने भी नहीं रखा, मगर सबकी ऐसी परिस्थिति होती है, मगर हमें बल दे करके ऐसे करना चाहिए। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 23-24 दिन हमें दिए हैं, एक बार उनके लिए वीर ताली बजानी चाहिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओ और सब लोग बैठे रहेंगे, आज आपको आचार्य जी के हाथों से प्रसादी प्राप्त होगी। ओ प्यारे भाइयों और बहनों, आचार्य जी ने जो आज प्रवचन में महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र, उनका जो पूरा जीवन हमें बताया, बहुत ही सरल ढंग से बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे। पहले स्वामी दयानंद सरस्वती एक ही थे, कुछ साल पहले वो एक ही थे, अब ऐसे ऐसे हमारे जो आचार्य जी हैं उनके हृदय में आके ऐसे सरस्वती दयानंद लाखों हैं, अब लाखों हैं जिनके जरिए हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने जो ये 30 दिन तक जो प्रवचन किया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया किया, हम उनके बड़े आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि जो साल है वो 365 दिन का होता है, अगर ये 365 कला का हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, हम उनका जल्दी जल्दी दर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।